हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से मैथ बस्टर को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा अगला मिथ है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर आज स्टूल के अंदर जाने के बाद किसी भी हाउस या प्रॉप्स को ऐड करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अगर हम लोग स्टिकी बम लगाएंगे और उसको ब्लास्ट कर, यानी कि उसको हटा फोड़ देंगे यानी कि पिस्तल से, तो भाई जो हम लोग स्टिकी बम है वो भी गायब हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे H1 से जल्दी से यहाँ पे हाउस को ऐड कर देता हूँ। तो भाई जो हाउस है वो ऐड हो चुका है और इसके ऊपर मैं जल्दी से इसके पास जाने के बाद स्टिकी बम बहुत सारे लगा देता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे स्टिकी बम लगाना स्टार्ट कर दिया। और उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टिकी बम जो है उसको लगा दिए हैं और जल्दी से मैं पिस्टल निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसको ब्लास्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे जो स्टिकी बम था वो भी सारे गायब हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, अब इस बार भाई मैं कंटेनर को ऐड करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, तो देखते हैं भाई कंटेनर के ऊपर अगर हम लोग स्टिकी बम लगाते तो भाई क्या स्टिकी बम गायब हो जाएगा। तो भाई मैंने यहाँ पे स्टिकी बम तो लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई यहाँ पे स्टिकी बम मैं यहाँ पे बहुत सारे लगा देता हूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने स्टिकी बम लगा के इसको ब्लास्ट भी कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ के जो स्टिकी बम थे वो गायब हो चुके हैं। तो भाई ये मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल राइट गाइस, हमारा पहला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर ऑटो को एक्सपॉन करते हैं और उसके ऊपर अगर बाइक को एक्सपॉन करेंगे तो भाई बाइक गायब हो जाएगी। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं जल्दी से 370 के चीट कोड से यहाँ पे मैंने मंगा दिया है ऑटो को। जी हाँ गाइस, ऑटो को मंगाने के बाद 5000 के चीट कोड से मैं इसके ऊपर एक बाइक को मंगा लेता हूँ। जी हाँ गाइस, तो 5000 के चीट कोड से अपने गेम के अंदर बाइक जो है वो ऐड हो चुकी है और बाइक का नाम है पल्सर RS 200। जी हाँ गाइस, तो मैं जल्दी से इस ऑटो के अंदर बैठ के इसको चलाते हैं। तो भाई जब तक ये बाइक जो है इस ऑटो से नीचे नहीं गिरेगी तब तक ये नहीं गायब होगा। जी हाँ गाइस, और उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ऑल राइट गाइस, बस ये भाई नीचे गिरने ही वाला है। तो फाइनली गाइस, मैंने अभी तक तो नहीं गिरा भाई, गिर चुका है अपना जो भाई बाइक था वो इस ऑटो से नीचे गिर चुका है। तो फाइनली गाइस, हम लोग बिना किसी देरी के चलते उस बाइक को ढूंढने। तो देखते भाई वो बाइक हम लोग को मिलती है कि नहीं। तो भाई यहाँ से मैं तो बहुत दूर दूर तक देख रहा हूँ पर अभी तक तो मुझे कोई भी बाइक नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ गाइस, मैं थोड़ा सा आगे भी आके देख लियो पर भाई इधर कोई भी बाइक नहीं। तो भाई मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइनली गाइस, हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर JCB और उसके ऊपर अगर हम लोग मॉन्स्टर ट्रक को ऐड करेंगे तो भाई बहुत ही बड़ा धमाका होगा। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं 6677 के चीट कोड से यहाँ पे मैंने मंगा लिया JCB को। और JCB के ऊपर मैं जल्दी से 0700 के चीट कोड से मैंने यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक को भी स्पॉन कर लिया है। तो भाई यहाँ पे इतना बड़ा धमाका हुआ भाई, जो अपनी JCB थी पता नहीं कहाँ पे जाके गिरी और भाई मॉन्स्टर ट्रक तो मेरे बगल में ही है। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को एक बार मैं फिर से ट्राई करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने फिर से JCB को जो है उसको स्पॉन कर दिया है और जल्दी से मैंने इसके ऊपर दूसरा जो मॉन्स्टर ट्रक होता है उसको स्पॉन कर दिया है। तो भाई इस बार तो भाई मुझे कहीं पर भी ये जो मॉन्स्टर ट्रक है और भाई जो JCB ये कहीं पर भी नहीं दिख रही है। तो भाई एक बार और मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो भाई ये लास्ट बार ट्राई मैं कर रहा हूँ। और उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से 0300 के चीट कोड से मैंने यहाँ पे जल्दी से मंगा लेता हूँ भाई मॉन्स्टर ट्रक को। तो भाई मॉन्स्टर ट्रक तो आ चुका है भाई, ये पता नहीं कहाँ पे ये दोनों जाके गायब हो चुके हैं। तो भाई ये मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फाइनली गाइस, हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग इसके ऊपर स्टिकी मैम बनने के बाद ऑटो के अंदर बैठेंगे और ऑटो को अगर हम लोग नीचे गिराएंगे तो भाई जो ऑटो वो नीचे नहीं गिरेगी। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे बहुत सारे स्टिकी बम लगा देता हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग स्टिकी मैन जो है वो कैसे बनते हैं। जी हाँ गाइस, उसके लिए हम लोगों को धरती पे बहुत सारे स्टिकी बम लगाने रहते हैं और उसके ऊपर हम लोगों को स्काई फॉल लगाना रहेगा इन्फिनाइट हेल्थ लगाने के बाद। तो अब हम
लोग बन जाएंगे एक स्टिकी मैन। जी हाँ गाइस, तो भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं अपने फ़ोन ओपन करके 9129 के चीट कोड से यहाँ पे मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगा लिया है। 1120 के चीट कोड से यहाँ पे मैंने इन्फिनाइट हेल्थ भी लगा लिया है और उसके साथ साथ स्काई फॉल भी मैंने लगा दिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बस अब थोड़ी देर में स्टिकी मैन बनने वाले हैं। तो फाइनली गाइस मैं बन चुका हूँ एक स्टिकी मैन। जी हाँ गाइस, अब मैं स्टिकी मैन बन चुका हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पे ऑटो को स्पॉन कर देता हूँ। तो भाई देखते हैं जो ऑटो है इस मेगा रैम के ऊपर से नीचे गिरती है कि नहीं। तो भाई 8370 के चीट कोड से मैं यहाँ पे जल्दी से थोड़ा साइड आ चुका हूँ। इधर आने के बाद मैंने ऑटो को जो है उसको स्पॉन कर दिया है और इसके अंदर बैठ चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई गोल गोल घूम रहा है, पर भाई ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। भाई एकदम साइड में आ चुका, पर भाई इधर से ये दूसरे साइड आ चुका है और भाई उधर गया था पर भाई उधर से ही नीचे नहीं गिरा है। मुझे लगता है भाई मुझे इससे एग्जिट ले लेना चाहिए। फाइनली गाइस मैंने इससे एग्जिट ले लिया है। उसके बाद मैं एक बार फिर से ट्राई करने वाला हूँ स्मिथ को। तो भाई देखते हैं ये जो ऑटो नीचे जाती है कि नहीं। और उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद मैं अपना फ़ोन ओपन कर लेता हूँ। 8370 के चीट कोड से मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा साइड में ऑटो को मंगा लिया है और भाई मैं इसके अंदर बैठना स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ये फिर से नीचे नहीं जा रहा है। भाई मैं बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ पर भाई ये नीचे नहीं जा रहा है। तो भाई यहाँ पे भाई एकदम साइड में जाके पर ये ऊपर चला गया, ये भाई दूसरे साइड जाके नहीं गिरा है। जी हाँ गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की पर भाई ये दूसरे साइड नहीं गिरा है। तो भाई मिथ कन्फर्म है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फाइनली गाइस हमारा अगला मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर आने के बाद ये स्टूल के अंदर जाने के बाद लिखते हैं P15 और P14 और भाई उससे जो प्रॉप्स ऐड होगा अगर हम लोग उसको ऊपर करेंगे तो भाई वो बहुत ही ज्यादा बड़े साइज में होता है। जी हाँ गाइस, तो स्मिथ को ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे P15 से भाई यहाँ पे एक प्रॉप्स को ऐड कर दिया है। तो भाई यहाँ पे जो प्रॉप्स है भाई वो आ चुका है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो भाई देखते हैं भाई इसकी जो साइज है वो कितनी बड़ी होने वाली है। जी हाँ गाइस, तो भाई यहाँ पे मैंने इसको ऊपर कर दिए तो आप लोग देख सकते हैं भाई इसकी लगभग साइज भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसकी जो आधी साइज होती है भाई वो धरती के अंदर रहती है, भाई इसकी जो आधी और साइज होती है भाई वो धरती के बाहर रहती है। तो भाई जल्दी से मैं एक बार फिर से P15 यानी कि P14 से डायल करके एक और प्रॉप्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। मुझे लगता है इसकी भी साइज़ सेम ऐसे ही होगी क्योंकि भाई दोनों एक सेम जैसे ही लग रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फाइनली गाइस इसकी भी साइज जो है वो सेम उसी तरीके से है। तो भाई मिथ कंफर्म है, हम लोग चलते हैं लास्ट और आखिरी मिथ की तरफ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइनली गाइस हमारा लास्ट और आखिरी मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग आज इस स्टूल के अंदर जाने के बाद लिखते हैं ह्यूमन मॉन्स्टर तो हम लोग भाई एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। जी हाँ गाइस, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैंने आज इस स्टूल के अंदर लिख दिया था पर अपने गेम के अंदर भी कोई भी ह्यूमन मॉन्स्टर नहीं ऐड हुआ है। तो भाई इसलिए भाई ये मिथ बस्टेड है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।